आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं छोटे से कपड़े के टुकड़े से मास्क बनाने जा रही हूँ। अगर आपके पास भी छोटा सा कपड़ा है टुकड़ा, तो इस तरह से मास्क बना सकते हैं। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है और इसका लंबाई हम लेंगे 8.5 इंच। और ये चौड़ाई है इसका 5.5 इंच। अब इसको सिल लीजिए, खुला इस तरह से ऐसे उल्टा करके कपड़ा को एक सिलाई चला लीजिए। तो इस तरह से पलट लेंगे और इसमें रबर के जगह पे कपड़े का ही लगाएंगे जोड़ी। तो इस तरह से कपड़ा काट लीजिए पतला सा। ये आपका 1 इंच है। इस तरह से इसको सिल लीजिए। डोरी की लंबाई रखेंगे, आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसका भी रख रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पे कट कर लेंगे। और इसको इस तरह से कपड़ा को अंदर फोल्ड कीजिए, जैसे 1/2 इंच कपड़ा को अंदर करके मोड़ लीजिए।
इस तरह से इसको मोड़ लीजिए अढ़ाई, और इसमें एक गोली को लगाएंगे। इसको भी आधा इंच इस तरह से अंदर करके लगाएंगे। और इसके दूसरे छोर को इस साइड से ऐसे रखिए, इसको भी आधा इंच अंदर कीजिए इस तरह से। देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, अब इसका इस तरह से बीच लीजिए और इसको दबा के सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी ऐसे बीच पकड़िए और इस तरह से इसको सिल लेंगे दबा के।
कपड़े के टुकड़े से मास्क बनके तैयार है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट से बनने वाला मास्क है ये।